फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या विश। तो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जीन पियाजे की थ्योरी के अंदर, जो जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया उसके अंदर उन्होंने एक टर्म दी स्कीमा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस टर्म को। स्कीमा, स्कीमा का जो मतलब, जो अगर हम इसे दो वर्ड्स में बोले तो ये होता है सूचनाओं के पैकेट्स। सूचनाओं के पैकेट्स, कि जब भी कोई जो सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क में आती हैं, ये उनके पैकेट्स हैं। अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की मूल इकाई जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। तो ये क्या है, स्कीमा क्या है? ये सूचनाओं के पैकेट्स हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की मूल इकाई है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। ठीक है, कि मतलब ऐसे जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं कहते हैं बौद्धिक प्रक्रियाएं, ठीक है, उनका हम ये उसकी मूल इकाई है जिसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। आपको सिंपल अगर लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो आप ऐसे मान सकते हैं जैसे आप ट्रेवल कर रहे हैं और ट्रेवल करते हुए आपके रास्ते में हजारों तरह की सीनरीज आई, लोकेशंस आई, गांव आए, शहर आए, और आप उन सबको देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फिर कई सालों बाद में किसी ने आपसे पूछा कि क्या तुम कभी उस शहर या उस गांव में कभी गए हो या उस रास्ते पर कभी गए हो, तो आप थोड़ा सा याद करोगे जोर से और आपको याद आ जाएगा कि हाँ ऐसे। और अगर कोई उसके बारे में पूछे, कोई रास्ता पूछे या उस जगह के बारे में पूछे कि कैसी जगह है या किस तरह का वहां पे लोकेशन है, तो आप सब बता देंगे, आपके वो सब सीन आपकी आंखों के आगे चलने लगेगा। तो यही चीज होती है सूचनाओं के पैकेट्स, यही चीज है स्कीमा। जब आप कोई चीज जो मस्तिष्क जो है वो सूचनाएं या वातावरण से वो सूचनाएं ग्रहण करता रहता है और वो सब दीर्घकालीन जो हमारी स्मृति होती है उसमें इकट्ठी होती जाती है। और जब भी वातावरण के उद्दीपकों से मतलब जब भी उसकी जरूरत होती है तो वो सूचनाओं के जो पैकेट्स हैं वो आपके सामने फिर से आ जाते हैं, मतलब वो चीजें आपके मस्तिष्क में दोबारा से रिमाइंड हो जाती हैं। तो ये चीज है स्कीमा, जिसके अंदर कि जो आपकी जो भी चीज आप देख रहे हैं वो सब आपके दिमाग में फीड हो रही है और जब भी आपको जरूरत है तो वो चीज आपकी दीर्घकालीन स्मृति से निकल करके आपके दिमाग में फिर से आ जाएगी और आपको याद आ जाएगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है और बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है। होप सो आपको समझ आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।